हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मशरूम की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम मशरूम को एक नए तरीके से बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, मैंने मशरूम को निकाल दिया है और आज हम मशरूम को कच्चा नहीं यूज़ करके इसे बॉईल करेंगे। तो चलिए इसे पहले बॉईल कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर कुकर में पानी ले लिया है और अब हम इसमें मशरूम को डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे सारे मशरूम को कुकर में डाल दिया है और इसे 7 से 8 सीटी लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, जब तक हमारा मशरूम बॉईल हो रहा है तब तक मैं आपको सारे इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 6 से 7 प्याज लिया है मीडियम साइज़, हमने यहाँ पे 2 टमाटर लिया है मीडियम साइज़ और यहाँ पर थोड़ा सा धनिया का पत्ता। यहाँ देखिए, हमने मसाले के लिए काली मिर्च, जीरा और गर्म मसाला, अदरक, हरी मिर्च, लहसुन और यहाँ पे हमने कश्मीरी चिली लिया है, नीम कस्तूरी मेथी लिया है और हमने छौंके के लिए 2 लाल मिर्च, 2 तेज़पत्ते और थोड़ा सा मेथी लिया है। और फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 2 मिर्च लिए हैं जिसे हम चेरी चिली भी कहते हैं, इसे हमने गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम सारे मसाले को पीस लेते हैं। और यहाँ देखिए, हमने स्वाद अनुसार नमक और हमने पानी भी लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने सारे मसाले को पीस लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा मशरूम जो है वो बॉईल हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे निकाल कर और छोटे छोटे पीसेस में काट लेते हैं। तो चलिए दिखाती हूँ मैं इसे कैसे काट रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये जो मशरूम है अब मैं इसे काटूँगी। चलिए, इसे बीच से काटना है और फिर इसे आधा कर देना है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही मैं सारे मशरूम को काट लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने मशरूम को छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है और जो मसाला हमने रखा था उसे भी हमने पीस लिया है और हमने इसमें ऊपर से हल्दी ऐड कर दिया है ताकि ये पूरे मसाले में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने यहाँ पर कढ़ाई को गर्म कर लिया है और अब हम इसमें तेल डालेंगे। हम यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रहे हैं। अब हम इसमें अपने मशरूम को डालकर उसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा मशरूम जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फ्राई होने के बाद जो मशरूम है वो इस तरह से बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने कढ़ाई में छौंका के लिए मेथी डालेंगे और फिर हम इसमें 2 तेज़पत्ता डालेंगे और लाल मिर्च हमने निकाली थी वो डाल देंगे और इसे कुछ देर तक फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, जो हमने लाल मिर्च और तेज पत्ता डाला था वो एकदम रेड हो चुका है। तो अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे और उसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे और इसे 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा टमाटर जो है वो फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने मसाला ऐड कर लिया है और अब हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे और जब तक इसमें से तेल ना निकलने लगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा मसाला जो है वो बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो अब हम इसमें मशरूम को ऐड करेंगे। हम इसे 2 मिनट तक अच्छे से इसमें फ्राई कर लेंगे और इसमें नमक डाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा मशरूम जो है मसाले में फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप अपने सब्जी की क्वांटिटी के अनुसार ही नमक ऐड करें। तो फ्रेंड्स, हमारी सब्जी जो है वो अच्छे से भुन चुकी है। तो अब हम इसमें पानी को ऐड कर देंगे।
तो फ्रेंड्स आप पानी अपने अकॉर्डिंग ऐड करें। अगर आपको ग्रेवी थिक पसंद है तो आप पानी कम ऐड कर ले, और अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप उसे पानी को ज़्यादा ऐड करें। तो फ्रेंड्स अब हम इसमें कसूरी मेथी और हमने जो कश्मीरी लाल मिर्च रखी थी उसे भी ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स अब बारी आती है हमारे लास्ट ट्रिक का, जिससे आपकी सब्ज़ी बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनेगी। तो फ्रेंड्स अब हम इसमें एक चम्मच घी ऐड करेंगे, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो फ्रेंड्स अब हम इसमें ग्रीन चिली को ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे वाइट मिर्ची यूज़ कर रही हूँ, आप नॉर्मल ग्रीन चिली भी यूज़ कर सकते हैं। और अब लास्ट स्टेप हम यहाँ पे कोरिएंडर लीफ भी यूज़ करेंगे, और इसे कुछ देर तक पकाएं, उसके बाद हमारी सब्ज़ी रेडी है। तो फ्रेंड्स अब हमारी सब्ज़ी बनके तैयार है, तो चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने अपनी सब्ज़ी को एक बाउल में निकाल लिया है, और चलिए अब इसे डेकोरेट करते हैं। तो हम इसमें एक रेड चिल्ली ऐड करेंगे और एक ग्रीन चिल्ली ऐड करेंगे, और इसमें हम कोरिएंडर लीफ यूज़ करेंगे डेकोरेशन के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स टेस्टी सब्ज़ी बनके तैयार है, आप इसे रोटी या चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।